बस कैसे हो सभी लोग? तो मैं उठ चुका हूँ। फिलहाल मैं तैयार हो चुका हूँ, स्कूल कपड़े पहन के रिया अपने दाल सोफे पे सोया हुआ है। नाश्ते के सामने नाश्ता हमारी चाय पराठा है। मामा चाय में हमें दूध मिला देती है ताकि हमारी चाय का कलर ऐसे है। अब तो मैं फिलहाल गुस्सा आया हुआ है। तो अभी मैं क्या नाम है क्या नाम अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, जिसकी वजह से मैं सही से व्लॉग भी नहीं बना पा रहा। पता नहीं मेरे पाँव में क्या हो रहा है। अभी मैं बैठा हुआ था तो मुझे ख्याल आया कि अभी तो व्लॉग भी बनानी है, तो अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये अभी फिलहाल चल रहा है नाश्ता। नाश्ते के बाद हम लोग करेंगे जाएंगे स्कूल। उससे पहले मैंने तैयार होना है, शूज़ पहनने और इन लोगों तो पूरे ही तैयार होना है, क्योंकि मैं पहले उठ जाता हूँ 6 o'clock। नमाज पढ़ के ना पहले तो 6 o'clock लेट जाता हूँ, 7 o'clock तक तैयार भी हो जाता हूँ पहले, बस शूज़ नहीं पहनता। तो फिर अब मैं बस शूज़ पहनूंगा और तैयार में। तो कहते हैं कि हम लोगों ने खाना खा लिया और मैं अभी स्वीट कॉर्नस खा रहा था क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैं खा लाया था अपने लिए स्वीट कॉर्नस। और मैं अभी तक स्वीट कॉर्न ही खाता जा रहा हूँ। बस अभी हम लोगों ने निकलना सपारे के लिए। और क्या नाम है, आज शाम को तो खेलने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आज एक ऐसा बंदा है जिसके साथ खेलने में हमेशा बड़ा मजा आता है। और अपने ताल की जो टांग है ना, वो शायद फ्रैक्चर होने वाली थी लेकिन बच गई, क्योंकि आज वो बड़ा बहुत बुरा गिर गया था। तो उसकी टांग ना फ्रैक्चर होने वाली थी लेकिन बच गया वो, क्योंकि नीचे मैं आ गया उसके। बस मेरी ब्रेक में ना हम लोग ऐसा हुआ कि क्लास से वो निकला, मैं भी आया, हम सारे ना ग्राउंड में गए। हम लोग कैच कैच खेल रहे थे, कम से कम ना हमने चालीस तक की हमने ना कोई खेली कैच कैच 40 मिनट के लिए। तो हम वापस जा रहे थे ब्रेक में, उसके दोस्त ने ना टैकल मारा मेरे पाँव में, मेरे लेसेस खुले हुए थे तो मेरी और उसकी टक्कर हो गई। सामने से पता नहीं कौन सा बच्चा था, वो भाग तो आया, उसकी फिर हमारे साथ टक्कर हो गई वो अमिता के साथ। तो मैं तो भाग गया वहाँ से, क्योंकि नहीं भागा नहीं था, मुझे नहीं याद आ रहा क्योंकि मैं उस टाइम गिर गया था तो मेरे सर में ना वो चक्कर आने लगे थे। मैं भाग गया था, क्या किया था मैंने मुझे कुछ नहीं याद। तो फिर वो ये हुआ कि अमिताल की टांग में ना बड़ी सट लगी, तो फिर वो चला गया ऑफिस। ऑफिस से उसको MI रूम लेके गए। MI रूम में जब उधर वो छोटा सा क्लिनिक ही था, उधर चेक करवाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा इधर नहीं उधर हॉस्पिटल लेके जाए इसको। तो उधर से हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से फिर जब हम वापस घर लाए तो उसको इतनी पेन हुई कि उसने मुझसे स्वीट कॉर्न छीन ली और स्वीट कॉर्न खुद खा गया। लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ी सी पड़ी हुई है, और मेरे पास अभी कल मैंने अपने मनी बॉक्स से सारे पैसे निकाल दिए, पूरे के पूरे हम लोगों ने 15,000 निकाल दिए। और थोड़ी बहुत डोनेशन कर दी स्कूल में, थोड़ी बहुत इधर डोनेशन कर दी फलस्तीन के लिए, और बाकी का हमने लंच ले लिया खाना वगैरह। और मतलब यही चीज़ें हम लोग करते रहे। अब इसराइल के साथ तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग फलस्तीन के साथ हैं। तो हम लोगों ने ना वो चिप्स चॉकलेट वगैरह नहीं खाई। प्लीज़ आप लोग भी अब इसको अवॉइड करें। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने अब ख़रीद लिया है, तो इससे ये होगा पाकिस्तान को नुकसान होगा, उसको तो छोड़ दें, उसके बाद वो पाकिस्तान खरीदेगा नहीं। कि अगर ये फलस्तीन का ना जो लोग नहीं खरीद रहे बॉयकॉट कर रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं खरीदेगा। तभी अब इसराइल ना मुसलमान नहीं खा रहे, तो फिर वो चिप्स के पैकेट, जूस के बॉक्सेस, उसमें मैकडोनल्ड्स, ये KFC, इन पे ना बाहर बिस्मिल्लाह ये सब कुछ लिखवा रहे हैं ताकि वो जो मुसलमान है ना वो खाएं। लेकिन हम फिर भी नहीं खाएंगे। ऐसे ही होगा कि उसके ऊपर कुछ के ऊपर फलस्तीन जिंदाबाद लिखवा रहे हैं, लेकिन वो जाएगा डस्टबिन में, इसलिए जो लोग खाते थे उन लोगों ने भी छोड़ दिया। तो अब ज़्यादा नुकसान मतलब शायद हो, क्योंकि अभी छोड़ रहे हैं लोग, अब ये खाना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि क्या नाम है, ये क़यामत की एक निशानी थी
जो पूरी हो गई है, और बहुत सी ऐसी क़यामत की निशानियां जो पूरी हो चुकी हैं अब। और मतलब ये क़यामत की निशानियां ना बहुत बढ़िया है। और स्वीट कॉर्न दिखाते हैं जो मैं कल लाया था, दिखाओ मिताल। मेरा है ठीक है, मैं लाया था, मैं ही लाया था। आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा क्या आप लोगों को लगता है हो गए, ये इतना गंदा होता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने खा के दिखाऊंगा। ये देखें फिर कौन सा चम्मच है मेरे पास, फिलहाल मैं खेल के आ चुका हूँ। और आज हमने पापा से इजाज़त ले ली थी कि हम खेलें, क्योंकि आज बड़ा मजे का बंदा आया हुआ था खेलने के लिए, तो आज हम लोग चले गए खेलने। इजाज़त तो पहले हमें मम्मा ने दे दी थी, लेकिन पापा ने नहीं, तो फिर हमने पापा से ले ली। तो अभी मैंने सारा भी पढ़ ली है और अभी हम लोग खाना खा रहे खाने लगे हैं, क्योंकि मम्मा साथ साथ वीडियो बना रही है। आज है आलू केमे की, उसकी रेसिपी जिसको नहीं पता वो इटलीशियस पे जाके देख ले और उसको सब्सक्राइब भी कर देना। तो हाँ, दो बुक्स ली थी स्कूल से, वो ना ऑल्फर्स की हैं। अगर वो ना हमने वो पूरे क्विज समझे, एक क्विज को ना उन लोगों ने बढ़ाते जा रहे हैं पहेलियों में ले गए, और उन्होंने ना ऑल्फर्स के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे क्विज वगैरह दिए हुए हैं, हमने वो सॉल्व करने। एक बुक हमने कर दी है, अब दूसरी बुक वही बुक है, सारी बुक्स एक जैसी हैं। हम एक बुक पे तो हमने कर ली है, जो दूसरी है ना, जो हमने पहली की है ना, वो उसी को देख के हम दूसरी कर देंगे। यही तो बस हमारी ट्रिक थी, एक हम लोग अपने कजन्स को दे देंगे, एक हम लोग खुद रख लेंगे। उससे आप लोग सोच होंगे कि होगा क्या। हाँ ये रही, एक ये बुक है, ये देखें, इससे हमें ऑल्पर्स के जो सबसे बड़े बड़े जार है ना, सारे फ्लेवर के मिलेंगे। ये अभी शायद हमने सॉल्व नहीं की है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्टिविटी बुक, ये पहला पेज इसका, दूसरे में ये कोई जार देता है, ये तो चले, ये तो कोई क्विज नहीं है, ये है क्विज, ये हमें पूरी करनी थी जो मैंने कर ली है। और ये बनाना फ्लेवर, ये जो तो हमने करनी थी ये भी है। हाँ इसमें स्टिकर्स भी मिलते हैं, ये भी होगी हमारी, ये भी हमने कर ली है, और ये भी हमने कर ली है, ये नहीं की हुई हमने, ये अभी हमने सिर्फ एक ही सम किया, ये हमें सम 33 का, और ये सारे बनाते सबर, ये अभी हम बाकी सारे बनाएंगे। ये आ गए हैं बच्चों का सबसे मजे की चीज, ये स्टिकर्स, इनका भी आगे एक काम होता है, ये ऐसे खेलने के लिए नहीं होते, ये फीफा वर्ल्ड कप और इन सब का पूछे। ये इधर हमने कलर करना था जो हमने बड़ा ही बुरा किया, ये इधर हमने वर्ड्स लिखने का, ये पहेली आ गई है, ये पहेली आ गई है, ये जिस जिसको इन सब के आंसर पता है वो वीडियो रोक के कमेंट में जाके मुझे बता दे। इधर हमने लिखना है जो हमने नहीं पूरा पैराग्राफ लिखा, और इधर हमने स्टिकर लगाने हैं। ये है जी हमारी पूरी बुक, शादी की है जो पूरी बुक है वो तो मेरे बैग में पड़ी है, वो मैं स्कूल में जाके दूंगा, फिर हम ये सारे जूस पियेंगे। हाँ जी, वो भी बड़े बड़े बैग, सारे फ्लेवर हमें मिलेंगे। मुझे फिलहाल बड़ी नींद आ रही है, तो अभी बस मैं सोने वाला हूँ। तो गाय ये है मेरी व्लॉग का एंड, और फिलहाल मैंने अभी अभी स्कूल के कपड़े पहन लिए ताकि सुबह उठ के मुझे पहनने ना पड़े, तो अब मैं सोने लगा हूँ। तो ये है मेरी व्लॉग का एंड, गुड बाय।